हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज जो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का जो 23 दिसंबर का पेपर है जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो हम लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1985। 1985 में भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है दिल्ली में। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर है 1835। 1835 में जो है वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तथा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की थी वो विलियम बेंटिक ने की थी। विलियम बेंटिक ने जो है वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है जर्मनी में। काले वन जो पाए जाते हैं वो जर्मनी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी का पुराना नाम है? इसका आंसर है बिहार। पाटलिपुत्र जो है वो बिहार राज्य की राजधानी का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही में पाया जाता है? इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस पहले भी आगे की पहले शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पाए जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्रत्यक्ष बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उस बेरोजगारी को प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सात टापुओं का नगर किसे कहते हैं? इसका आंसर है मुंबई। मुंबई को सात टापुओं का नगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठभूमि वंश का सबसे बड़ा राजा कौन था? इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है वो जो थे वो पृष्ठभूमि वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, तथा ये कन्नौज के भी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है रोजर बेकन ने। रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इसका आंसर है कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर है हिंदी भाषा। भारत में जो है हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आंसर है इंदौर। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका आंसर है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है भारत के जो है सबसे उत्पादन वाला राज्य है रेशम का। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका आंसर है राजेंद्र। राजेंद्र जो थे वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे प्रसिद्ध राजा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है निशानेबाजी से। निशानेबाजी से जो है जसपाल राणा का जो निशानेबाजी खेल से रिलेटेड है जसपाल राणा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर है बिनमिंत। बिनमिंत जो है वो म्यांमार के राष्ट्रपति है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पिछली शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है जो 19, 20 और 21 में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? इसका आंसर है बर्मिंगम ब्रिटेन में। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं वो बर्मिंगम ब्रिटेन के बर्मिंगम शहर में होने वाले हैं आयोजित।
अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है 1972 में। 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेडान का परमाणु क्रमांक क्या है? इसका आंसर है 86। रेडान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 86 है। ये क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में भी आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है इस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी पिछली शिफ्टों में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, और ये जो है वो मेटलर्जी के पोर्शन से लिया गया है, धातु कर्म के। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे की चमक के लिए कौन सा कारण है? इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो हीरे की चमक के लिए जो है कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तथा यह कार्बन का प्रतिरूप होता है हीरा। इन दोनों के बीच ही 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? इसका आंसर है कैंडेला। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये पिछली शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटेक्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है इस शिफ्ट में। इसका आंसर है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित जो है वो इंटेक्स की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 136वां। 136वां स्थान जो है वो वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? इसका आंसर है चंदा कोचर। चंदा कोचर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वीडन की राजधानी क्या है? इसका आंसर है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ ही, ये क्वेश्चन भी पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपरिवर्तित रहता है? इसका आंसर है घनत्व। घनत्व जो है वो वस्तु की मात्रा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है? इसका आंसर है हाँ, हो सकता है किसी वस्तु का औसत वेग शून्य वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति में किसी भी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परम ताप किसे कहा जाता है? इसका आंसर है केल्विन पैमाने पर मापा गया ताप। केल्विन पैमाने पर जो ताप मापा जाता है वो परम ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका आंसर है समुद्र दूरी मापन में। समुद्र दूरी मापन में जो है वो नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, तथा ये उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये भगवान सूर्य के लिए ये मंदिर बनवाया गया था, उन्हीं का भगवान सूर्य का ये मंदिर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविड वॉर्नर किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर, क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो डेविड वॉर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जीवी मावलकर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर हैं। सो फ्रेंड्स, हमें
आरपीएफ कांस्टेबल की जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 23 दिसंबर को जो हो रहा है हुआ है, उसके जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो हम लेकर के आए हैं, वो भी विद आंसर्स। तो सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज गुरुजी, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आरपीएफ कांस्टेबल के सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर की इकाई क्या है? इसका आंसर है वाट। वाट जो है वो पावर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों का अध्ययन किसमें करते हैं? इसका आंसर है मायरमेकोलॉजी। मायरमेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेल ह्यूमन हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल ह्यूमन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान बताइए? इसका आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। जब इसका नॉर्मल मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 98.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? इसका आंसर है अम्लीय। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति एसिडिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिथोफाइट्स क्या होते हैं? इसका आंसर है चट्टानों पर उगने वाले पौधे। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया हॉल कहाँ पर है? इसका आंसर है कोलकाता में। विक्टोरिया हॉल कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्केलाइन का सूत्र क्या है? इसका आंसर है CnH2n। एल्केलाइन का सूत्र CnH2n है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? इसका आंसर है मलावतपूर्णा। मलावतपूर्णा जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन यानी Fe का परमाणु क्रमांक कितना है? इसका आंसर है 26। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका आंसर है ध्रुवों पर, यानी पोल्स पर जो है पृथ्वी पर वो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? इसका आंसर है हर्ट्ज। एच जेड यानी हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई मात्रक है।